तो गाइस अब सारी बोल जाएंगे, सारी जाएंगे। तो गाइस ये बोल आ गई हमारी और सबसे पहले मेरी टर्न है और अब आप देख सकते हो कैसे करना है। हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर व्लॉग ऑन धनकर्ष व्लॉग चैनल। सो आज के व्लॉग में जो है वो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज संडे है और अभी 5:34 हो चुके हैं और हमने डिसाइड करा है कि हम जाएंगे बॉलिंग करने। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, आज जो है कोमल ने मुझे चैलेंज करा है बॉलिंग में कि अगर मैं जीता तो ये मेरा एक दिन में सारा कहना माने। मैं नहीं मानता। और अगर कोमल जीतती है तो मुझे इसे स्टारबक्स में लेकर जाना पड़ेगा जो कि इसकी फेवरेट है। अब देखते हैं, चलिए। अच्छा कोई नहीं। और ऐसे बड़े बड़े प्लेयर को मैं बहुत बार हरा चुका हूँ। बट्टर से तो बड़ी मैं हूँ ना। ऐसे ही बोलते रहते हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर अभी बता दूंगा मैं। हाँ तो कोई नहीं, तो बोल ले। मैं कह तो रही हूँ, मैं बोलने में विश्वास नहीं रखती हूँ, करके दिखाने में विश्वास रखती हूँ। So guys, ये पहुंच गए हैं बोलेरो बॉलिंग में और अब लगाते हैं गाड़ी पार्किंग में और चलते हैं अंदर पार्किंग। हियर वी गोना पार्क। बस लेट्स गो। हार बहुत ज्यादा करीब आती जा रही है। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? अभी आएंगे नजारे गाइस। सो गाइस, बॉलिंग का जो प्लान है तो ये तो सब ऑलरेडी बुक्ड है सब कुछ, लेकिन हमने प्लान करा है दूसरे वाले पे जाने के लिए। सो हम ट्राई करते हैं दूसरे वाला जो है वो अवेलेबल है, क्योंकि आज संडे है, आज ज्यादातर बहुत भीड़ है। तो चलिए हम सेकंड वाले पे आपको दिखाते हैं, वो यहाँ से 5 माइल दूर है। तो चलिए चलते हैं। पीछे स्टारबक्स था, यहीं से आना है। स्टारबक्स तो तेरे को आज नहीं मिलेगा, तो एक दिन के लिए पूरा कहना मनवाऊंगा। वैसे भी मानती हूँ क्या बोला तूने? ये है क्या? This is the place. यहाँ पार्किंग पार्किंग है। तो गाइस, इसमें ऐसे जो है शूज चेंज करने होते हैं, हमें ऑलरेडी हमारे ये शूज मिल गए हैं नंबर 10 के, तो अब हम शूज पहनेंगे। और हमारी जो नेम है वो क्या है, वो हमारा नाम लिखा हुआ ऊपर। सो गाइस, इसको स्टार्ट करना होता है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं हम और जो है स्टार्टिंग टू बोथ द एंट्रेंस।
तो ये ऑलरेडी हमारा नाम आ चुका है, सो हम जाते हैं नेक्स्ट बॉलर पे। ओके ओके सर, तो हमारा वहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है नाम मन्नू और कोमल लेन टेल टीम, और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी बारी है, तो मैं कोमल ने ऑलरेडी शूज है वो डाल लिए है, और मैं बस लेसेस टाई करके अपनी बॉल्स लेते हैं। ये बॉल्स रखी है हमारी, सो गाइस ये बॉल आ गई हमारी, और सबसे पहले मेरी टर्न है, और अब आप देख सकते हो कैसे करना है। गाइस कोमल मेरे से आगे चल रही है, पता नहीं क्या होगा। सो गाइस इसने ना स्ट्राइक करके इसका स्कोर 9-16 चल रहा है, और मेरा स्टार बक्स अभी से कहने लगे, अभी गेम बहुत बाकी है, अभी देखेंगे। इसका तो कुछ करना पड़ेगा गाइस, कोई नहीं अभी हम जीतेंगे, तो बहुत गेम बाकी है और नहीं लगेगी, अरे नहीं लगेगी, अरे नहीं लगेगी। कोई नहीं कोई नहीं, स्टार बाक्स तो पक्का है, बड़ी दीदी को कभी चैलेंज नहीं करते हैं। अरे दीदी अभी देखना, अभी मैं फॉर्म में नहीं हूँ। हाँ हाँ, जब तक तू फॉर्म में आएगा गेम खत्म हो जाएगा। फोम में आने लगा जब तू तो, जब तक तू फोम में आएगा जब तक गेम खत्म हो जाएगा। अरे बस कर भाई। हाँ हाँ, सो गाइस अब सारी बोल जाएंगे, सारी नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कह के। और जो मेरी जीत और कोमल की हार, अब अपनी हार की तरफ बढ़ते हो, ये देखो इसका कुछ भी। बस हवा निकल गई। तो गाइस मेरा स्कोर चल रहा है 112, और दीदी स्टिल 59। स्लिप हो गई, सारी बॉल्स होगी होंगी ना। ओके सो यूज द टैबलेट टू कंटिन्यू द गेम, ग्रेट गेम, प्ले अगेन। ओके हम करते हैं 0-0 स्कोर है गाइस, और एक गेम मैं जीत चुका हूँ। नहीं क्या, और अब हम मेरी बारी है, मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा। वो ट्राई गेम था, ट्राई बॉल। सो गाइस नेक्स्ट गेम की पहली बॉल, दिस इज हाउ वी प्ले ब्रो। और ये देखो, और मेरा स्कोर है जो 10 है, और अब दूसरे गेम की पहली बारी में एक टिप दू, व्हाइट वाली बॉल ट्राई कर।
भारी है। हाँ तेरा ये कैसे रह गया? तुमसे ना पाएगा। मम्मी पापा ने कहा था छोटे भाई को जीत नहीं दिया। मम्मी पापा ने कहा ये देखो भाई मम्मी पापा ने ये भी नहीं कहा था कि एक भी मत गिरा। ले 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 सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा लगातार आप देख चुके हैं, देख रहे हो। फर्स्ट पे भी मैंने सारी, फिर उसके बाद थर्ड टाइम भी सारी, फोर्थ टाइम भी लगातार तीन स्ट्राइक। स्टिल जो उस पर हुए कल पंगा ले लिया आज। स्कोर है 53 मेरा और दीदी का 24। A few moments later. So guys, देख सकते हैं फिर हारते हुए 123 और 74। नहीं एक और गेम स्टार्ट करते हैं और अब जो है मेरा स्कोर जो है पिछले दो गेम का 235 है और दीदी का 133। क्या आप फिर ट्राई लेना चाहेंगे? नहीं मानते। ओके चलिए तरस तो मैं भी खा गया। नहीं पापा नहीं तरस तो मैंने भी खा लिया, नहीं तो ये स्कोर और भी ज्यादा होता। बात तो सही है। 2000 years later. अभी तीन बॉल है, तीनों के सारी क्या कितनी गई और शायद गई इस वाली गेम में मैं लूज कर चुका हूँ। ये देखो स्कोर आप ओवरऑल विनर मैं हूँ। मनु 307 कोमल लास्ट नो 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 बेस्ट ऑफ थ्री क्या ओवरऑल तो मैं दोनों दो में तो क्या हुआ नहीं लास्ट के दिन मैं जीती। चलो लेट्स गो देन। सो गाइस हरा दिया है। दो गेम तू जीतता है, दो गेम मैं जीतता। हाँ मैं स्कोर जो है वो स्क्रीन पे जरूर डाल दूंगा और दो गेम मैं जीत चुका हूँ ऑलरेडी और सिर्फ एक गेम जीत पाई है दीदी। तो इसका मतलब ये कि जीतने नहीं दिया मैंने जीतने दिया क्योंकि तू मेरा छोटा भाई। नहीं 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 इसका मतलब ये है कि एक दिन के लिए पूरा कहना मेरा मानना पड़ेगा। बट अभी चलो स्टारबक्स के। अभी स्टारबक्स किस लिए? क्योंकि तेरी बड़ी बहन को बुरा फील हो रहा है, उसको अच्छा फील करवाने के लिए स्टारबक्स में जा सकते हैं। चल इमोशनल डैमेज। ये तो इमोशनल डैमेज यू नो इमोशनली ब्लैक ओ टॉर्चर करा जा रहा है मुझे ताकि मैं अपना पैसे निकाल पाऊं जेब में से। और ये गाइस मुझे लगता है ऐसा होने नहीं वाला। अच्छा पहले आप ये बता दो आपको हार कर कैसा लग रहा है? आपको मैं इतने हारी नहीं हूं। अच्छा ठीक है डिफरेंस है इतने बड़े डिफरेंस से आपको हराया गया आप ये तो बता दो कितने बड़े डिफरेंस है। मैंने तुझे बस जीतने दिया क्योंकि तू मेरा छोटा भाई और मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ पर अभी मुझे बड़ा थोड़ा बुरा फील हो रहा है तो इसलिए चल स्टारबक्स चलते चल झूठी। सो गाइस जैसा कि आपने देखा हम घर आ चुके
और आपको पता है कि दीदी जो है आज हार गई है, तो हारी नहीं हूं मैं, दिया मैंने। तो कल से वो मेरा सारा एक दिन सारा कहना मानेगी, जैसे कि शर्त हुई थी, जैसे उन्होंने मुझे चैलेंज किया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं और नए ब्लॉग में, और इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपना फीडबैक कमेंट में देना मत भूलना। थैंक यू सो मच।